ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. और रूट वाले ही क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, अंडर रूट 3x² प्लस 10x, अंडर रूट 3x² प्लस 10x प्लस 7√3. देखा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही है धीरे धीरे. तो अब जो क्वेश्चन आया उसमें x² सिंगल नहीं है, वो भी अंडर रूट के साथ है. तो घबराना नहीं है हमें, अब तो हमें बहुत सारे स्टेप्स पहले से पता है. तो इसका मतलब है कि हमें जो फैक्टर्स बनाने हैं वो फैक्टर्स किस फॉर्म में होने चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए 7√3 एंड √3, इनका मल्टीप्लिकेशन, राइट? यानी कि होना चाहिए 7√3, और √3 का मल्टीप्लिकेशन तो हमें अच्छे से आ चुका है, वो एक्चुअल में 3 होता है, यानी कि 21. 7 3s are 21. और हमारे पास सम कितना होना चाहिए? सम होना चाहिए 10. है ऐसे नंबर्स? बिल्कुल है. अगर मैं यहाँ पर 21 की जगह 7 और 3 लेती हूँ तो मिल जाएगा ना मुझे 7 और 3 is 10 और 7 3s are 21. ईजी. अब जल्दी से 10x को स्प्लिट कर देते हैं. तो यहाँ तो हो गया अंडर रूट 3x² इस 10x को स्प्लिट करने पर बनाया मैंने 7x प्लस 3x प्लस 7√3. अब जल्दी से कॉमन लेते हैं. वी हैव टू पेयर्स हियर. यहाँ पे कुछ कॉमन है? बिल्कुल है, आप x कॉमन ले सकते हैं, √3x. यहाँ पे क्या कॉमन बचेगा? सिर्फ 7 बचा, x कॉमन आ चुका है. अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं प्लस का 3 कॉमन ले सकते हैं, इसके पास तो 3 है ही नहीं. लेकिन देखो दोनों के पास √3 है. क्यों है? √3 यहाँ तो है ही नहीं. बिल्कुल है, इस 3 के अंदर 2√3 नहीं होते हैं? 2√3 मिलके ही तो एक 3 बनाते हैं. तो इसका मतलब अगर मैं 1√3 बाहर ले लूँगी तो अंदर 1√3 अभी भी बचेगा, है ना? तो अंदर यहाँ क्या बचा? प्लस का 7. देखो इन दी एंड मुझे बनाना ये और ये इक्वल होता है, तो हो गए इक्वल, हो गए ना. तो अब मेरे पास बने √3x प्लस 7, और सेकंड फैक्टर बन गया x प्लस √3. हमारे दोनों फैक्टर्स आ चुके हैं. यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -7√3, और यहाँ से आ जाएगी -√3. मुझे अल्फा और बीटा मिल चुके हैं. अब हम आगे चलते हैं, अपने रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं. यानी कि अब हमें करना है ABC को सेपरेट और सम और प्रोडक्ट निकालना है. तो जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास ए कितना है. ए है √3, बी की वैल्यू है 10 और सी की वैल्यू है 7√3. ABC मिल चुके हैं. अल्फा प्लस बीटा कितना आता है? अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आता है माइनस का 7√3 और प्लस का -√3, है ना? अल्फा बीटा मैं अलग से लिख देती हूँ यहाँ पे. तो हमारे पास अब अल्फा और बीटा है. अल्फा है -7√3 और बीटा की वैल्यू है -√3. और अल्फा प्लस बीटा ऐसा हो गया, अल्फा प्लस बीटा सॉल्व कर लेते हैं. तो मेरे पास एलसीएम कैसे ले अब? यहाँ तो कुछ है ही नहीं. तो जब कुछ भी नहीं है तो जस्ट अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर 1 है. तो दोनों डेनोमिनेटर अभी भी इक्वल नहीं है, तो मैं √3 ले लेती हूँ यहाँ पर. √3 × 1 √3. हम क्या कर रहे थे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे सिंपल, क्योंकि डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है. मल्टीप्लाई किया √3. अब हम 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. नीचे सिंपल मल्टीप्लाई और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई. 1 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 आएगा, बट इसके आगे पहले से माइनस का साइन है जो लगेगा. ये दोनों भी क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का साइन रहेगा. √3 और √3 मल्टीप्लाई होके हमें अच्छे से याद हो चुका है कि -3 आना चाहिए. हो चुका है ना? तो यहाँ हो गया हमारे पास 10√3. 10 पे कोई साइन आएगा माइनस का, -10√3. तो ये आ चुका है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा. वेरीफाई करते हैं -b/a से. -b का मतलब है माइनस का 10 और a का मतलब है √3. देखो है ना बिल्कुल सेम. सेकंड थिंग आती है हमारे प्रोडक्ट को वेरीफाई करने की. अब प्रोडक्ट का मतलब हुआ हमारे पास α/β कितना आता है. α/β आता है -7√3, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के √3 के साथ. तो देखो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों
न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में है तो दोनों डिवाइड हो गए, यहाँ माइनस का साइन और माइनस का साइन भी ख़त्म हो गए, तो सिर्फ सेवन बचा, हटा दिए, सेवन बचा, अल्फा इंटू बीटा आ चुका है सेवन। और चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप सी अपॉन ए से आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है सेवन अपॉन सेवन अंडर रूट थ्री, और ए यानी कि अंडर रूट थ्री, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के बाद सिर्फ सेवन ही छोड़ेंगे, तो फिर से हमारा रिलेशनशिप यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो अंडर रूट के हमें स्पेशली प्रैक्टिस करने हैं। नाइन्थ में आप फैक्टराइजेशन प्रैक्टिस कर चुके हैं, अंडर रूट की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत इजी रहेगा। लेकिन अगर वहाँ पे नहीं हुआ है तो प्लीज़ स्टे इन टच, आप यहाँ पर सारे वीडियोज़ देखिए, शुरू से लेकर एंड तक के सारे वीडियोज़ देखिए, ताकि आपके छोटे छोटे जो मिस्टेक्स है वो यहाँ पर क्लियर होती चली जाए और कोई भी डाउट्स इसमें ना रहे। अंडर रूट की कैलकुलेशन से लेकर फैक्टराइजेशन से लेकर मैं आपको जो छोटे छोटे फैक्टर्स बनते चले जा रहे हैं, या फिर जो हम फ्रैक्शंस के भी इवन प्लस माइनस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। स्टे इन टच, आगे के नेक्स्ट टू क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।